जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को लेकर। जी हाँ, उनके दोस्त ने जो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे थार गाड़ी में, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे डाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस वक्त उसने जो है एक एक घटनाक्रम की बात बताई है, क्यों सिद्धू मूसेवाले को इस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनके छाती पर, उनके माथे पर जो है और उनकी गाड़ी पर इस तरह से गोलियां बरसाई गई। एक एक डिटेल जो है उनके दोस्त के द्वारा जो है बताई गई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी जो कि MLA हैं, भगवंत मान जी खुद गए हॉस्पिटल में सिद्धू मूसेवाला के जो दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए, जिनको एक एक पल की जानकारी है और उसने जो है एक एक बात बता डाली है अब पुलिस को। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा कर डाला है जिसे सुनकर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर जो है सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड को लेकर खबर छाई हुई है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, एक एक खबर हम आपको देंगे, क्या क्या उसने कहा है, उसके दोस्त ने क्यों मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाले का आखिर, और किस तरह से जो है साजिश के शिकार हुए सिद्धू मूसेवाले, एक एक खबर हम आपको देंगे, सबूत देंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए उससे पहले, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले का दोस्त जो कि उनके जिगरी यार कहलाते थे, जो कि बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उसने ही चाबियां छुपाई, गाड़ी की टायर पंचर करवाई और एक एक पल की जानकारी देके खबर जो है गैंगस्टर को दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नहीं जो है मर्डर करवाया है ऐसा सूत्रों का मानना है, और पुलिस जो है अब छानबीन में पूरी तरह से जुट चुकी है। पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, और अब आपको बता दें अलग अलग राज्यों से जो है 8 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और पुलिस का दावा है कि एक एक सुराग जो है पुलिस ने जुटा लिए हैं, कहाँ से किस तरह से मर्डर की प्लानिंग हुई। उससे पहले एक और खबर जो है हम आपको देना चाहेंगे। जी हाँ, मर्डर से पहले एक ढाबे पर जो है ये गैंग जिन्होंने चारों तरफ से सिद्धू मूसेवाले को घेर लिया था, उन्होंने पार्टी करी, खाना खाया उन्होंने ढाबे पर बैठ के, और उसके बाद जो है फिर से सिद्धू मूसेवाले का पीछा किया, और पीछा करते करते आपको बता दे जो है गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गाड़ी को रोक लिया, और उस वक्त आपको बता दें एकदम से जो है सिद्धू मूसेवाला घबरा गए। उन्हें एक बार तो ये लगा कि उनके फैंस जो है वो पीछा कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है थोड़ी देर के लिए दोस्तों के कहने पर उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, और उसके बाद गैंगस्टर जो थे चारों तरफ से सिद्धू मूसेवाले को घेर लेते हैं, उसके बाद तड़ातड़ गोलियों की बरसात करते हैं गाड़ी के ऊपर। सिद्धू मूसेवाले भी अपनी पिस्टल निकाल के जो है एक दो गोलियों की बरसात करते हैं, और दो शूटरों को बताया जा रहा है कि उन्होंने ढेर भी कर दिया था उस वक्त, लेकिन उनके पिस्तौल जो थी छोटी पड़ गई उनके बड़े पिस्तौल के आगे, और आपको बता दें 40 राउंड फायरिंग हुई, और उसके बाद तो सिद्धू मूसेवाले जी का बचना मुश्किल हो गया। और आपको बता दें, बताया जा रहा है कि 30 गोलियां जो है आर पार हुई, और साथ ही एक गोली जो सिर पर लगी जिसकी वजह से उनकी पगड़ी जो थी उतर गई थी उस वक्त, और उसी टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल जब ले जाया गया उन्हें, तो उसी वक्त जो थी उनकी सांसें रुक चुकी थी, डॉक्टरों का यह भी कहना था कि ज़्यादा खून बहने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो चुकी, अगर टाइम पर ले आते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। आपको बता दें पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ, साथ ही अब पंजाब पुलिस जो है पूरी तरह से जुट चुकी है सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड की एक एक सुराग जुटाने में, और साथ ही साथ जो कि हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है उनके दोस्त जो कि उनके साथ उस टाइम थार गाड़ी में मौजूद थे, उनकी अभी हेल्थ जो है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जैसे उनकी हेल्थ ठीक होगी पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाएगी, और बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके दोस्त को जो है रिमांड पर भी ले जाएगा, ताकि वो सच्चाई जो है उगल सके। बताया ये जा रहा है कि अभी उनके दोस्त जो है झूठ बोल रहे हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और इसी वजह से है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी हेल्थ में सुधार होगा उनको हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, और उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड को लेकर, क्योंकि चश्मदीद गवाह जो हैं उस वक्त वही मौजूद थे वहाँ पर उनके दोस्त, और वही बताएंगे गुरविंदर सिंह ही कि क्या क्या आखिरकार हुआ था, एक एक डिटेल। फिलहाल उन्होंने इतनी ही डिटेल दी है कि सिद्धू मूसेवाला जो था उस टाइम द लास्ट राइड सॉन्ग सुन रहे थे, द राइड सॉन्ग सुन रहे थे जो उनका गाना रिलीज हुआ था और काफ़ी फेमस भी हुआ था, उनका फेवरेट गाना माना जाता था वो, और
उनको आभास भी हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो अपनी मासी की तबीयत का पता करने जा रहे थे उस वक्त। और बुलेट प्रूफ भी गाड़ी वो नहीं ले जा पाए। बताया जा रहा है कि चाबी को जो था दोस्तों के द्वारा छुपा दी गई थी और इसी वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो नहीं ले जा पाए थे। हालांकि उनके पिताजी जो थे थार गाड़ी के पीछे पीछे पीछा करते हुए पहुँच रहे थे, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। गैंगस्टरों ने उनको धड़ाधड़ गोलियों से जो है छलनी कर दी थी उनकी छाती। अब वहीं माँ का जो है बुरा हाल है इस वक्त रो रो कर, और वो प्रार्थना कर रही हैं पंजाब के लोगों से, उनके फैंस से, कि किसी का बेटा इतना फेमस ना हो कि उसके दुश्मन हो जाए। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाले जो थे सिर्फ 2 सालों के अंदर उन्होंने नेम और फेम पाया। 28 ईयर्स के थे सिद्धू मूसेवाले, इतने कम वक्त में तो जो बच्चा है अच्छे से बोलना भी शुरू नहीं करता, और उन्होंने जो है इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाने के साथ इतनी सारी फैन फॉलोइंग बनाई, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कनाडा से लेकर विदेशों में भी हर जगह उनकी फ़ैन फॉलोइंग की भरमार लगी हुई है। और इस वक्त फैंस का जहां रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पिताजी जो है लाइव आकर उन्होंने प्रार्थना की है, अपील की है कि 8 जून को जो है उनका भोग रखा जाएगा और उसमें सभी शामिल हों और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना करें। वेल, किस तरह से आप देखते हैं सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड, जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या लगता है आपको, उनकी मौत किस प्रकार से हुई होगी, किसका हाथ है, दोस्तों का हाथ है, गैंगस्टर का हाथ है, बिश्नोई का हाथ है, किसका हाथ है आखिरकार? जो भी आपके विचार है खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, सबूत जुटा रही है, बहुत जल्द जो है कातिलों को सजा तो जरूर मिल ही जाएगी। और आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले की इस तरह से जो हत्या हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। ऐसी हमारी कामना है। ओम शांति।